नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात के थाना अकबरपुर चौकी विसायकपुर का है। बुजुर्ग की पीड़ित बहन जब रेखा कुशवाहा ने बताया 23/2/2021 को दोपहर के लगभग 2 बजे जब वो अपनी सास के साथ घर के कुछ काम काज कर रही थी, तभी हमारे ससुर ने घर के बाहर खटिया में बैठकर कुत्तों को रोटी खिला रहे थे। तभी पड़ोस के रहने वाले सूरज ने अचानक लाठी डंडों से कुत्तों के ऊपर जोरदार हमला कर दिया। जब इसका विरोध किया गया तो सूरज अपने घर चला गया। कुछ देर बाद हमारे ससुर खेत चले गए। सूरज दबंग पड़ोसी के 3 साथियों संग हमारे घर के बाहर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हम लोग काफ़ी डर व सहम गए, अपने घर के भीतर चले गए। तभी अचानक तीनों लोग हमारे घर में जबरन घुसकर हमारे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट की आवाज़ सुनकर हमारी सास वृद्धा सास के उन हमले करने वालों को रोकना चाहा तो उन्होंने हमारी वृद्धा सास के साथ मारपीट शुरू कर दी तथा अश्लीलता करने लगे। हमको तथा हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भाग गए, जिसकी सूचना मैंने तत्काल 112 व पुलिस के पास चौकी थाने में लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया। पुलिस ने राम बालक तथा शीलू को पकड़ लिया। तीसरा साथी मौके से भाग निकला। हमारा पति घर में नहीं था जब मैं अपनी सास को लेकर पास की बनी चौकी पहुंचकर मामले की सारी जानकारी चौकी प्रभारी को दी तो मैंने उसे अपनी सास माँ रामरती को मेडिकल कराने के लिए बोला। थाना प्रभारी ने हमारी एक न सुनी। पीड़िता का लग रहा है न्याय की गुहार, कौन सुनेगा इनकी पुकार। इंडियन प्राइम न्यूज से मुकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। अगर कोई परेशान करता है, बोलता है, छेड़ता है तो वो दौड़ता है। तो ये लड़का जा रहा था तो वो इसको मतलब कुछ करने उसका किया तो वो दौड़ पाया तो वो इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। वो वहाँ से आया बस गाली गलौज करने लगा उनको। वो बुजुर्ग हैं, उनको गाली देना अच्छी बात नहीं होती है तो उसने गाली दिया, बस इसी वजह से झगड़ा हो गया। और बस इनने वहाँ को फोन किया उनके पिताजी को तो वो आए बस डंडा डंडा से इनको लोगों को लाठी लेके आए। मतलब जी जी लाठी लेके आए मारने के लिए जी। वो हमने तो इनके हस्बैंड को देखा जो है जी, इनकी बहू राजबहादुर की जी, ठीक। उनको मतलब उनके हस्बैंड नहीं थे, वो खेत में गए थे जी। तो वो सब मार कूट करने लगे। अच्छा हम लोग अंदर गए नहीं, देखा नहीं क्या मारा क्या कूटा, मारा कूटा है, ब्लड फाड़ दिया, सब कुछ किया है। यही सब बातें हैं। मतलब वो लड़की मतलब अब शब्द कहती है, भगती है। अब कुत्ते को लेकर लड़ाई हुई थी और काफी लोगों ने मना भी किया था, मतलब कुत्ते को लेकर बहसबाजी मत करो, लड़ाई मत करो, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। अच्छा कुछ लोग बता रहे लड़की का बर्ताव भी नहीं सही रहता है, दिन जो है उसकी बहुत गंदी, जिसके ऊपर चाहती उसके ऊपर बस गाली गलौज शुरू करती थी उल्टा सीधा। और बस किसी के ऊपर बस जरा से कोई बात भी नहीं होती, बस उसके ऊपर कहीं लपट जाती है, कहीं किसको करती है, मार देंगे, कहीं कुछ कहती है, कहीं कुछ करती है। उसके घर में और 2-4 बने ही रहते हैं उसके घर में, और दूसरों को मतलब गलत ठहराती है और अपने आप को मतलब वो करती है घर में। नहीं तो क्या थाने चौकी में भी वो गांव के जो निवासी उनके खिलाफ गलत वो करती है, एप्लीकेशन वगैरह उनको फंसाना, झूठा मुकदमा, ये सब क्या इस तरह का भी उसका करते हैं? हाँ ये सब वो करती है, उसकी आदत गंदी बहुत है, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है उसने। ठीक। आपका क्या नाम है? रामवती। ये कौन सा गांव है माता जी? क्या मामला हुआ था आपके साथ? ये द्वारे पे कुत्ता बैठा था। हाँ? तो उनका लड़का आया सूरज, तो वो रोटी भी खाया तो वो कुत्ता दौड़ा तो उसको डंडा लेकर मारते मारते खेत ले गया। फिर ले गया, फिर हमारे पति द्वारे पड़े थे असमर्थ, तो वो बोले कि उसको क्यों मारा, वो गाली देने लगा। गाली देते समय उसने कहा कि हम बाहर से, जब सुना तो हम अंदर से बाहर आए तो ये गाली दे रहा था, तो हम अपने बहू से कहा कि इनके पापा को फ़ोन कर दो कि अपने लड़के को समझा ले। जब पापा को फ़ोन किया तो पूरे परिवार सहित राम बालक और एक थे और उनके लड़के बच्चे सब उनके धंधा द्वारे आ गए। द्वारे आ गए, मारपीट करने लगे हमारे पति को, श्री राजबहादुर। जब वो मारपीट करने लगे हम दौड़ के आए तो ये हमको भी किया था, हम अंदर चली गई भाग गए। जब हमको मारने को किया था हम भाग गए, बहू हमारी थी अंदर तो ये अंदर घुस गए राम बालक उनके साथ और एक दिन बहू को मारने लगे तो हम उसको बचाने लगे। हमारे इतनी जोर मार दिया
भूसा की पसली हमारी न सांस ले पा रही है न हम खांस पा रहे हैं, इतना दर्द हो रहा। फिर बहू ने हमारी उसमें 112 को फ़ोन कर दिया, जब गाड़ी आई उनको सबको ले गई। फिर दोबारा फिर जब पुलिस वाले आए तब लगे लड़का हमारा हार में थे तो उनको हमारा नाते हार में गया तो हमारे लड़के को बेटे को बुलाने चला गया। तो वो पुलिस वाले आए कहा अपने पति को लेकर आओ। मेडिकल हुआ आपका? नहीं हुआ मेडिकल, हुआ नहीं मेडिकल इनका, नहीं हुआ मम्मी का मेडिकल नहीं हुआ। नहीं हुआ मेडिकल को जब लड़का हमारा लेवा के गया। हम लोग कभी चौकी नहीं गई थी ना हमको। कौन सी चौकी पड़ती है आपकी? रंजनिया। थाना कौन सा लगता है? अकबरपुर। चौकी गई थी आप लोग? चौकी गए थे। जब मम्मी को ये मेडिकल करने के लिए बोला तो इनको भी अंदर कर दिया। जब कहा कि किसको अंदर कर दिया? सत्येंद्र को। कौन है ये? हमारा लड़का, मेरा पति है। अच्छा आपके बेटे को अंदर कर दिया? हाँ, जब मेडिकल करने के लिए बोला मम्मी के लिए। अंदर हो गए, हम दोनों लोग खड़ी रही हमारे साथ में कोई नहीं था। हम का नाम है आपका? मेरा नाम रेखा कुशवाहा जी। रेखा जी क्या मामला हो गया? सूरज ने एक पिल्ला कुत्ता पड़ा था उस कुत्ते को मारा जी। वो रोटी दिखा दी खा के उसको मार रहे थे तो हमारे श्री राज बहादुर कुशवाहा मेरे ससुर जी ने जी। उसको डांटा, वो उनको गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने लगा तो हमने कहा शांत रहो, गाली गलौज ना करो। हमने उनके पापा को फ़ोन लगाया, उनके पापा को बताया कि तुम्हारा बच्चा देखो गाली गलौज कर रहा है, इसको समझा लो आके। वहाँ से उनके पापा लोग आए डंडा लाठी लेकर के, उनके बच्चे को नहीं समझाया कुछ भी और हम लोगों को मारने लगे। बाहर पहले मारपीट हुई, हम लोग अंदर भग गए तो मेरी सासू माँ ने दौड़ लगा के पीछे से गई। तो इसके बाद में अंदर हमको मारने लगे, मेरी सासू को भी मारा, उनके पास सुरियों में चोट आ गई है सर, डैमेज भी हो गई है। इसके बाद में हमको भी मारा, मेरा ब्लाउज ले सारा फाड़ डाला और मारपीट किया। इसके बाद में हमने जब चिल्लाया तो गांव के मोहल्ले लोगों के लोग आए तो उसने सुना हमारा पति घर पे था नहीं, वो बाहर चला गया था। इसके बाद में जब हमने 100 नंबर भी डायल के कर दिया, वो फ़ोन घर पे छोड़ गए थे, छूट गया था। तो हमने 100 नंबर डायल कर दिया, 100 नंबर आई। इसके बाद में वो घर पे नहीं थे, फिर उनको बुलवाया गया खेत से, बच्चे को भेजा, बच्चे खेत से लेकर के आए। इसके बाद में फिर 2 पुलिस वाले आए। कौन से थाने का मामला है ये? रनिया अकबरपुर। अच्छा रनिया अकबरपुर। हाँ। फिर क्या हुआ? पुलिस आई? फिर पुलिस आई, पुलिस बोलती है इनको लेके हम जा रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को लेकर घर आइए। हम उनको अपने हस्बैंड को लेकर चौकी गए, वहाँ हमने एक अप्लीकेशन दी, अप्लीकेशन हमसे ले नहीं रहते, मेरे हस्बैंड देने गए, उनको भी बैठा लिया। अच्छा फिर आपने इस चीज़ की कंप्लेन की? इस चीज़ की कंप्लेन की हमने, कोई कंप्लेन ही नहीं हुई। कोई अप्लीकेशन वगैरह हो तो कैमरे में दिखाइए जो आपने कंप्लेन की हो। हाँ है जी। कौन सा गाँव लगता है ये? ये रनिया, ये भी ये पचगवा है। अच्छा अच्छा थाना रनिया, थाना रनिया। ठीक, आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई कर लीजिए। ठीक।